मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग के लिए हर रोज रात में 9 बजे रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 86 480 38 72 510 21 36 12। तो यहाँ पे क्या होगा, SSC CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए पहले 10 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, इसको और इसको, पहला और दूसरा वाला का इसको और इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए 86 है और 38 है, 86 में 38 घटा गया कितना हो जाएगा, 16 में 8 गया 8, 7 में 3 गया 4, 48। देखिए आप लोग क्या कीजिए, इसको और इसको, पहला वाला और इसको, इसको और इसको माइनस कर दीजिए। 86 में 38 घटाइए कितना हो जाएगा, 48। आ इसको 10 से गुना कर दीजिए, 48 को 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 480, बीच वाला निकल जाएगा। उसी तरह से इसको देखिए, 72 और 21 को माइनस कीजिए, 72 और 21 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51। और 51 को 10 से गुना कर दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा 510। उसी तरह से इसको क्या करेंगे, 36 और 12 को माइनस कीजिए, 36 और 12 को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 24। और 24 को 10 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240। डी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। दूसरा नंबर सवाल है, यदि गुना का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब गुना है, भागा का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब भागा है, तो इतना बराबर क्या होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, जो जो बोल रहा है हम लोग वो कर दीजिए। प्लस है, प्लस को क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब भागा, यहाँ भागा लिख दीजिए, प्लस का मतलब भागा है, भागा का मतलब माइनस है, भागा का मतलब माइनस है, ठीक है। माइनस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब गुना है, ठीक है। गुना का मतलब प्लस है, गुना का मतलब प्लस है। आप लोग जानते होंगे बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ ऑफ नहीं है, डिवाइड है, पहले डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड 12 में 6 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा, 2, बच गया माइनस 3 गुना 2 प्लस 8। अब देखिए उसका मल्टीप्लाई होता है गुना, 3 गुना 6, 2 माइनस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर, 4। सी नंबर आंसर हो जाएगा 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कौन क्या होगा, UP 3 SSC 2016 पूछा क्वेश्चन ने। देखिए ऐसा सब सवाल जब भी रहे आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, 11/2 माइनस 30 घंटा बराबर एंगल। ऐसा सब सवाल जब भी रहे आप ये फार्मूला याद रखिए, 11/ जब भी आपसे दो सुइयां घड़ी का समय दे देगा और दोनों सुइयों के बीच का कौन पूछेगा, तो ये फार्मूला याद रखिए, 11/2 माइनस 30 घंटा बराबर एंगल। देखिए इसी फार्मूला में हम लोग रख देते हैं, क्या है, 11/2 गुने में है मिनट, देखिए कितना, 3:40 हो रहा है, 40 मिनट है, 40 माइनस 30 घंटा, 30 अगुने में घंटा है, घंटा कितना है, घंटा 3 बज रहा है, 3 घंटा 4:04, 10:10 घंटा हो जाता है, 11:11 घंटा हो जाता है, मिनट हो जाता है 40 है तो 40 लिखे थे, घंटा है 3 हो गया बराबर एंगल। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से 20 बार में काटिए 40, इन दोनों गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा माइनस, अब इसको इसको गुना कीजिए, 3 × 9 90 हो जाएगा बराबर एंगल। देखिए आप अब 220 से 90 घटाइए कितना हो जाएगा, 220 से 90 घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 130 बराबर एंगल, एंगल का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चार नंबर सवाल देखिए, BAB-BB-ABB SSC GD&other पूछा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे ए है BBB, ठीक है, ABB है, ठीक है, ऐसा है कहीं पे, देखिए ए है कहीं पे, देखिए ABB, देखिए AB है, ABB हो रहा है, यहाँ AB है, यदि यहाँ पे B लगा दीजिएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा ABB। अब देखिए एक इधर एक खाली है, एक इधर एक बी है, ठीक है, एक इधर यहाँ खाली है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी रख दीजिए,
क्या हो रहा, देखिए तो बी ए बी बी, बी ए बी बी, यहाँ पे भी उसी तरह से होगा बी ए बी बी हो गया, क्या बन रहा है बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी। आप लोग जब पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको तो आपको भी इसी तरह से तुरंत आप बना लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा बी ए बी बी, क्या हम लोग का बी ए बी बी डी नंबर आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, रमन ऊपर से 19वां है तथा नीचे से 25वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रमन ऊपर से 19वां है, रमन जो है ऊपर से कितना है 19वां है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 18 व्यक्ति होगा उससे पहले तब ना वो 19वां होगा, तथा नीचे से 25वां है, नीचे से कितना है 25वां है, मतलब कि इधर 24 रहा होगा उससे नीचे तब ना वो 25वां रहेगा। बोल रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, देखिए 18 का व्यक्ति इधर था, एक और रमन 19 और 24 कितना हो गया 20 23 20 43, टोटल कितना आ गया 43। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, रमन ऊपर से 19वां है, रमन जो है ऊपर से 19वां, उससे पहले 18 था तब रमन 19वां होगा, तथा नीचे से 25वां है, मतलब नीचे से 24 व्यक्ति होगा तब ना वो 25वां होगा। बोला था पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति हो गया 18, एगो रमन खुद 19, और 19 और 24 कितना हो जाएगा 19 21 23 24 43, सी नंबर आंसर हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 49 36 18, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे से सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, हल्का क्वेश्चन है, आप लोग देख के भी समझ गए होंगे। देखिए इसको इसको आप गुना कीजिए, 7 37 49 अगला निकल जा रहा है, इसको इसको गुना कीजिए आप, 9 6 36 अगला निकल जा रहा है, इसको इसको गुना कर दीजिए आप, 6 3 18 अगला निकल जाएगा, इसको इसको गुना कीजिएगा, 1 × 8 कितना हो जाएगा 8, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। सात नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थान से कितना दूर है, एसएससी जीडी 2018 में पूछा क्वेश्चन। देखिए ऐसा सब सवाल जब भी रहे, हम आपको ये सब चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे आप लोग एन ई एस डब्ल्यू क्लॉक वाइज में याद रखिए, घड़ी की दिशा में एन ई एस डब्ल्यू, आपको जिधर मन करता है उधर आप लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं, खाली एन ई एस डब्ल्यू क्लॉक वाइज में याद रखिएगा, यहाँ भी एन लिख सकते हैं, फिर यहाँ ई हो जाता है, यहाँ एस हो जाता है, यहाँ डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, उत्तर ऊपर माने हैं, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर यहाँ चलता है उत्तर की ओर जाता है 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, देखिए पूरब इधर है पश्चिम इधर, 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, ठीक है, ये 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, और फिर 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, उत्तर ऊपर माने हैं, और फिर 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ठीक है, वो अपने प्रस्थान स्थान से कितना दूर है, देखिए यहाँ से उछलना स्टार्ट किया था, अभी कहाँ है, यहाँ पे है, हम लोग से इसका दूरी पूछ रहा है, इसका इसका बीच का दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हमको लोग को निकालना है। देखिए आप इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से कर दिए, अब देखिए ये हम लोग कितना है, ये कितना था 4 था, ये कितना था 4 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी इधर 4 हो जाएगा और ऊपर भी 4 है, ये 4 4 मिलके यहाँ पूरा 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए ये कितना है, यहाँ से देखिए ये कितना है 6 है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो देखिए हम लोग को ये निकालना है, ये पता चल गया 4 4 8 हो गया और ये नीचे वाला कितना हो गया 6 हो गया, तो देखिए ये निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस आधार है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 64 36 100 हो जाएगा, 100 का वर्ग क्या होता है 10 होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये नीचे वाला ऊपर होना चाहिए था, ऊपर वाला ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए पृथ्वी बृहस्पति शुक्र मंगल बुध है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए हम लोग जानते हैं सूरज से
ग्रह का कर्म क्या है? देखिए बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यह है सूरज से ग्रह का क्रम क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहले क्या होता है, बुध, बुध कितना में है, पाँच में है बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, शुक्र तीन में है बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी एक में है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल चार में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल उसके बाद बृहस्पति होता है। इतने तक था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण होता है, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, पाँच तीन एक चार दो, किस ऑप्शन में देखे तो पाँच तीन एक चार दो, पाँच तीन एक चार दो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में इतना को इतना तथा इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। एमपी पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इतना को क्या लिखेगा, देखिए सी को क्या लिखा जा रहा है, सी देखिए पहला में तीन है, सी को क्या लिखा है तीन, ओ को देखिए तो क्या लिखा है, ओ दूसरा में, दूसरा में पाँच, ओ को क्या लिख रहा है पाँच लिख रहा है, तीसरा में क्या है बी, बी को देखिए तो क्या लिख रहा है, बी कहाँ पे है, बी पहला में है, बी को क्या लिख रहा है दो लिख रहा है, बी का दो हो जाएगा। आर को क्या लिखा जा रहा है, आर देखिए यहाँ है, आर को आठ लिखा जा रहा है, उसके बाद क्या है ए है, ए को देखिए तो क्या लिखा जा रहा है, ए बीच में है, बीच में क्या एक है, ए को एक लिखा जा रहा है। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, कोबरा को क्या लिखेगा, तीन पाँच दो आठ एक, तीन पाँच दो आठ एक सी नंबर आंसर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, भिन्न को चुनिए, यूपी पुलिस 2017 में पूछा क्वेश्चन, देखिए हीरा एल्युमिनियम टंगस्टन तांबा, हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्या कि हीरा अधातु होता है जबकि एल्युमिनियम टंगस्टन तांबा तीनों क्या होता है धातु होता है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, हीरा हीरा अधातु होता है। दोस्तों आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपका 10 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।